हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज हम बात करने वाले हैं जॉब्स के बारे में। ये जॉब्स हमें लिंक्डइन प्रोवाइड कर रहे हैं। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलते हैं आजकल में, और हर साल लिंक्डइन हमें जॉब्स प्रोवाइड करते हैं लाखों जॉब्स। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन जॉब में से 10 टॉप कंपनीज के बारे में। ओके, ये टोटल 10 कंपनीज के नाम हैं और मैं उनमें से आपको 5 कंपनीज के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। और आपको ये बात बता दूँ, ये जो लिंक्डइन हमें ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, इसमें आपको ना क्राइटेरिया लगेगा और नहीं कोई रिक्वायरमेंट्स लगेगी। आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। अगर आपको नॉलेज होगा तो फिर आपको एक टेस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप वो टेस्ट में पास होते हो तो फिर आपको जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी ऐसे वैसे नहीं, वो भी बहुत बड़े पैकेजेस वाले। मैं आपको ये 5 कंपनीज के जो पैकेजेस हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा, और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्किल्स चाहिए उन लोगों को, मैं आपको वो भी बताऊँगा। सो जो टॉप ऑफ द कंपनीज हैं, मैं आप में से कुछ नाम बता दो आपको। अपग्रेड, ग्रेड, अनस्कूल लर्निंग, अन अकेडमी, ये जो कंपनीज हैं आपने अक्सर सुने होंगे एडवर्टाइज में। यही कंपनी आपको जॉब्स प्रोवाइड करने वाली है। यही कंपनी के लिए आपको एक टेस्ट देनी पड़ेगी और इसी में आप प्लेस हो सकते हैं। इसके अलग अलग रोल्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, मतलब अलग अलग रेजिग्नेशन है जिसके लिए आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए अलग अलग स्किल्स हैं और उस स्किल्स के अनुसार आपको अपने पैकेजेस मिलेंगे। ओके, सो गाइस, दिस इज द रिलेबल वेबसाइट जहाँ से आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको कंपनी में अप्लाई करना है। ओके, सो अपन जाएंगे अब टॉप 5 कंपनी के पास, जो कि मैं आपको बताऊंगा उसके डिस्क्रिप्शंस एंड उसके रोल्स एज वेल एज उसके स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट कंपनी की तरफ। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज अपग्रेड। या आपने कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, वही कंपनी आपको जॉब अवेलेबल करा दे रही है। ओके, सो वेयर द सिटीज ऑफ द कंपनीज, मेट इज द पैकेज ऑफ द कंपनी इज 45 लाख पर एनम। ओके, आपको ये कंपनी दे रही है 4 से 5 लाख का पैकेज। और कौन से रोल पे? रोल्स है बिजनेस डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट पर्पस। ओके, आपको अगर ये एरिया में इंटरेस्ट है तो फिर आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड स्किल्स है कंपनी के लिए। अब स्किल्स क्या है कंपनी के? एक्सेलेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। हाईली एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक, दिस इज द सेकंड वन। एंड द थर्ड वन इज गुड इंटरपर्सनल एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आप में ये स्किल्स है और अगर आप कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं फॉर द बैक एंड डेवलपमेंट एज वेल एज बिजनेस डेवलपमेंट पर्पज के लिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड कंपनी। सो दिस इज द सेकंड एंड नेम ऑफ द कंपनी इज ग्रेड। या ग्रेड आपको जॉब दे रही है फॉर द CTC नियरली अबाउट 14 to 38 लाख पर एनम। ओके, उनका ये पैकेज है, ये पैकेज पे आपको जॉब करना है और वो भी करना है एज अ फ्रंट एंड एज वेल एज अ बैक एंड डेवलपमेंट। ओके, इस रोल के लिए। एंड स्किल्स ऑफ द कंपनी का कोडिंग एबिलिटी टू राइट लीन मॉड्यूलर एक्सटेंसिबल कोड। या आपको कोडिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन सी कोडिंग? जावा, गोलैंग, पाइथन, C#, C++, रूबी, जावास्क्रिप्ट, आपको ये सब कोडिंग आनी चाहिए। बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए अपने में, और HLD एंड LLD भी होनी चाहिए। ओके, सो दिस आर द स्किल्स। इफ यू आर हैविंग द स्किल देन यू कैन अप्लाई। ओके, एंड अगर आपको पासिंग बैच 2021 की है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको 0 to 3 years का एक्सपीरियंस है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस अबाउट द क्रेट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स, इसके बाद आते हैं अपन रिजर्व पे पे। रिजर्व पे आपको जॉब दे रही है एज अ बैक एंड डेवलपमेंट रोल्स। ओके, आपको बैक एंड में काम करना होगा। आपको CTC दे रही है ये कंपनी और नियरली अबाउट 20 to 24 लाख पर एनम। आपकी स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए इसमें? PHP, पाइथन, जावा एंड C++, आपने ये स्किल्स होनी चाहिए एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, सो ये भी कंपनी की थोड़ी एक्सपेक्टेशंस है। उसके बाद में अगर आपको आपकी बैच 2021 पास आउट है एज वेल एज आपको 0 to 1 year का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस अबाउट द रेजर पे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है अर्बन कंपनी। ये कंपनी आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम। ये आपको जॉब दे रही है एज अ बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स के लिए। ओके, एंड उसका CTC है, दैट इज अ पैकेज फ्रॉम 3 to 6 LPA। आपको 3 से 6 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। ओके, वेयर द स्किल्स ऑफ दिस कंपनीज रिक्वायरमेंट आर
फील्ड सेल्स एक्सपीरियंस इज अ मस्ट। या अगर आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो भी, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड। ओके, उनसे भी अगर आपकी फील्ड में ग्रेजुएशन हुआ है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस अबाउट अर्बन कंपनी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नाउ द नेक्स्ट कंपनी येलो मैसेंजर। ओके, सो येलो मैसेंजर आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है एज अ बैकएंड डेवलपमेंट रोल्स। ओके, वेयर द पैकेज दैट इज द सीटीसी ऑफ दैट कंपनी 6 to 2 लाख पर एनम। आपको 6 से 10 लाख पर एनम का पैकेज मिल सकता है। ओके, एंड देयर स्किल रिक्वायर्ड्स आर दैट इज जावास्क्रिप्ट एंड नोड जेएस। ओके, अगर आपको स्किल्स आते होंगे दैट इज जावास्क्रिप्ट एंड नोड जेएस, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा दैट इज अ 1 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दिस व्हाट अबाउट येलो मैसेंजर। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंपनी। सो इसके बाद की कंपनी है क्यूरफीड। ओके, सो क्यूरफीड आपको एज अ बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स के लिए। ओके, एज वेल एज आपको यहाँ पे पैकेज मिल रहा है दैट इज सीटीसी ऑफ 5.5 लैक्स। ओके, ये कंपनी काम करती है एज अ फूड फिटनेस एंड मेडिटेशन पे। इसके लिए आपको स्किल्स होनी चाहिए कॉलेज ग्रेजुएट्स विद मिनिमम 2 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन अ फार्मा, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री और अ टेली सेल्स एक्सपीरियंस इन फार्मा और अ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू क्विक लर्न कॉन्सेप्ट्स। ओके, अगर आप में स्किल्स है, अगर आपने इसमें कभी काम करा है दैट इज 2 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो फिर आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो दिस अबाउट अ क्यूरफिट। ओके, तो इसी के साथ आप चलते हैं कि कैसे इसको रजिस्टर करना है। ओके, सो आपको सबसे पहले रीलेवल www.rilevel.com इस नाम के वेबसाइट पे जाना है। ओके, आपको यहाँ पे ऐसे रजिस्टर नाउ नाम का एक बटन मिलेगा, आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये बिजनेस डेवलपमेंट डेस्क, फ्रंट एंड डेवलपमेंट डेस्क एंड बैक एंड डेवलपमेंट डेस्क ऐसे नाम के कुछ कंसेप्ट मिलेंगे। ओके, अगर आप जिसमें भी इंटरेस्ट हो तो फिर आपको क्लिक करें। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करूंगा बिजनेस डेवलपमेंट डेस्क के लिए। कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसे मिलेगा। ओके, अब मुझे इस पर क्लिक करना है रजिस्टर नाउ के ऊपर। ओके, सो इसके बाद हमें ये फॉर्म फिल करना होगा और रजिस्टर पर्पस के लिए। सो फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे ऐसे फिर से रजिस्टर नाउ करना होगा। सो रजिस्टर नाउ के बाद यहाँ पे कुछ स्लॉट्स मिलेंगे, देखो कितने सारे स्लॉट्स है। अभी आपको अगर करना हो तो आप स्लॉट्स में बुक कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज आप जल्दी जल्दी स्लॉट बुक करें। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा स्लॉट्स बुक करूंगा तो फिर आपको यहाँ पे एक बटन क्लिक करना होगा कंफर्म योर स्लॉट करके। सो इसी के साथ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि आपको यहाँ पे 1999 रुपीज पे करने होंगे फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट के लिए। यहाँ पे आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। ओके, अगर आप उसमें पास करते हो तो फिर आपको खुद से कंपनी के रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे कूपन कोड है, अगर आपको आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फिर आपको थोड़े कम पैसे देने पड़ेंगे और कूपन कोड है ENG10। अगर आप जैसे यहाँ पे अप्लाई करते होंगे तो देखिए आपको कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, दैट इज 1799 ओनली। ओके, और फिर बाद में आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे और इसी के साथ आप रजिस्टर कर चुके होंगे। ओके, फिर आप अपने एग्जाम के लिए रेडी तैयारी कीजिए और एग्जाम क्रैक कर दीजिए। ओके, सो इसी के साथ अभी मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।